प्रदेश सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया भारत की जनवादी नौजवान सभा उस बजट को पूरी तरह से युवा विरोधी और आप जनता विरोधी करार देती है। आप देखते हैं किस तरह से इस बजट के अंदर चाहे युवाओं की जब हम बात करते हैं तो युवाओं को रोजगार देने की जो बात सरकार ने की है 30,000 युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है। आप देखेंगे इससे पहले भी प्रदेश के विभिन्न जनसभाओं के अंदर जब चुनाव के समय कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वो आकर के यहाँ पर कहा करते थे कि हम पहले ही कैबिनेट के अंदर 1,00,000 युवाओं को रोजगार देंगे, तो पहले ही बजट के अंदर जो है इस सरकार का जो आप देख सकते हैं कि नजरिया नजर आ रहा है कि वो कितनी सजग है। 30,000 युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है, 1,00,000 युवाओं को रोजगार देने की बात पहले ही कैबिनेट में की गई थी, तो ये दावा भी कहीं ना कहीं हवाई साबित हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जब बात करते हैं आउटसोर्स की कंप्यूटर टीचर्स की अन्य विभागों के अंदर भर्तियों को लेकर के तो कोई ज्यादा प्रावधान नहीं किया गया। आउटसोर्स कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदेश की सरकार से मिल रहे हैं, ये मांग रख रहे हैं कि उनकी जो है लेकर स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। कंप्यूटर टीचर्स लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है बोल रहे हैं कि स्थायी नीति बनाई जानी चाहिए, लेकिन इसको लेकर कोई भी बात इस बजट के अंदर नहीं की कि मात्र केवल जो है 500 रुपए की वेतन के लेकर करके ये जो दिखाने का काम हमारी प्रदेश की सरकार ने किया। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो इस बजट के अंदर की गई हैं ये सही नहीं है और प्रदेश की सरकार को जो आम जनता की जो महंगाई को लेकर देखेंगे आप कोई बात इसके अंदर नहीं है। आप देखेंगे किसानों को लेकर जो वादे दावे जो किए गए हैं कि हम जो है स्टोर खोलेंगे या इसके अलावा जो है किसानों की आय बढ़ाने की बात की गई थी तो अन्य बातें की गई, तो मुझे ये लगता है कि ये सारे दावे जो है धरातल पर भी उतरने चाहिए और कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार की जो दावे उन्होंने बजट से पहले अपनी जनसभाओं के अंदर किए थे, अपनी जनसभाओं के अंदर जो दावे वो करते रहे थे तो उन दावों को पूरा करें और